हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। PYQ सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। एज वी नो दैट वी आर फोकसिंग अपॉन 24 प्रीलिम्स, हाउ वी कैन टैकल द हिस्ट्री और हिस्ट्री क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स बेस्ट ऑफ द मैनर। एंड टिल नाउ वी हैव कवर्ड 2011 टू 2023 PYQs फॉर एंशियंट एज वेल एज आर्ट एंड कल्चर। Now we are discussing about the modern PYQs. This session basically, we are focusing upon the PYQs of the modern India. And in modern India also, we have seen dimensions, areas from where the questions have been asked. कहाँ कहाँ से questions हैं हम क्या ये? तो उसी को continue करते हुए आज हमारा next question देखते हैं। 2015 का question है। मैं directly factual question पूछा है, लेकिन ये personality based इंडियन नेशनल मूवमेंट का ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये इंडियन नेशनल मूवमेंट का क्वेश्चन है एंड पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन। तो ये एरियाज ध्यान में लेना जरूरी है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। ये फैक्चुअल टाइप का है लेकिन फिर भी क्या है तो हम टैकल कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज अ मार्च ऑन द तंजावर कोस्ट ब्रेक द सॉल्ट लॉ इन अप्रैल 1930। फॉलोइंग ऑर्गेनाइज अ मार्च तंजावर कोस्ट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ अप्रैल। तो सॉल्ट लॉ और अप्रैल 1930 ये अगर देखते हैं तो हमें अपने आप पता चलेगा कहीं ना कहीं फोकस कहाँ पे आ चुका है, सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट के ऊपर आएगा। यहाँ से एक क्ल्यू यूपीएससी ने दिया है आपको, CDM ये वर्ड यूज नहीं किया है। हमें क्ल्यू मिलता है सॉल्ट लॉ एंड अप्रैल 1930 से सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट की बात हो रही है। और जाहिर सी बात है हमें यह पता होता है कि सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर था सॉल्ट सत्याग्रह, जहाँ पे सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना है एंड सॉल्ट प्रोडक्शन चालू करना था। और ये सॉल्ट सत्याग्रह खास करके गुजरात में हुआ था, दांडी में, जहाँ से CDM की शुरुआत हुई थी। बट गुजरात वॉज नॉट द ओनली स्टेट अपार्ट फ्रॉम गुजरात, द रेस्ट ऑफ द इंडिया वेयर वी हैव द कोस्ट लाइन इन रिस्पेक्टिव एरियाज ऑफ द कोस्टल इंडिया We had seen the emergence of called salt satyagrahas. So be it Maharashtra, be it Karnataka, Kerala, that is Malabar coast, Tamil Nadu, Coromandel coast, Andhra Pradesh, Odisha, Bengal, everywhere salt satyagraha had taken place. वो जो salt satyagraha हुआ था तो उसमें Kerala coast and Tamil Nadu coast ये ज़्यादा important थे गुजरात के बाद। गुजरात के बाद Kerala coast and Tamil Nadu coast ज़्यादा important थे। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा है एंड अगर आप चारों ऑप्शंस देखते हो तो आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया आएगा। एक तो वो केरला या तमिलनाडु कोस्ट के बारे में पूछ रहा है, तो वैसे भी यहाँ पे तंजावर कोस्ट यही हुआ है। तंजावर इज अ पार्ट ऑफ तमिलनाडु, तंजावर इज अ पार्ट ऑफ कोरोमंडल कोस्ट और तमिलनाडु कोस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास सीधे सीधे ऑप्शंस दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन इज वी ओ चिदम्बरम पिल्लई, सेकंड इज सी राजगोपालाचारी, थर्ड इज के कामराज एंड फोर्थ इज एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को हम एलिमिनेट कर सकते हैं बिकॉज वी नो दैट इवन दो शी वॉज अ पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, बट एनी बेसेंट वॉज मोस्ट फेमस और शी केम टू द लाइमलाइट मोस्ट ड्यू टू होम रूल लीग मूवमेंट। केम टू द लाइमलाइट मोस्ट ड्यू टू होम रूल लीग मूवमेंट। तो होम रूल लीग मूवमेंट से एनी बेसेंट एसोसिएटेड थी और उस वजह से क्या है कहीं ना कहीं हमें पता चलता है एनी बेसेंट CDM में अगर है भी तो भी सॉल्ट लॉ एनी बेसेंट ने कंटिन्यू किया था ऐसा दिखता नहीं। सरोजिनी नायडू ने इनिशिएटिव लिया था, लीडरशिप ली थी सॉल्ट सत्याग्रह में। यहाँ पे सॉल्ट सत्याग्रह में एनी बेसेंट का कंट्रीब्यूशन हमारे पास नहीं है, कैन एलिमिनेट। के कामराज वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ द कांग्रेस फ्रॉम तमिलनाडु, यस वी नो, बट के कामराज जो है उसका इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेशन ऐसा ज़्यादा हाईलाइट होता नहीं है। जो रोल है वो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में ज्यादा था। का रोल जो है इंडिया को आजादी मिलने के बाद ज्यादा माना जाता है या उनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो किंग मेकर ऑफ द कांग्रेस कहा जाता है इंडिपेंडेंट इंडिया में। इंदिरा गांधी के समय में मतलब नेहरू जी के बाद, नेहरू जी की डेथ के बाद के कामराज बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लीडर तौर पर मर्ज हुए थे। उनका कॉन्ट्रीब्यूशन इंडियन नेशनल मूवमेंट में अगर है भी वो बहुत लिमिटेड है और सॉल्ट सत्याग्रह उन्होंने
लीडरशिप नहीं ली थी या उन्होंने कैरी नहीं किया था, उस वजह से कामराज को हम बाजू में कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास वी ओ चिदम्बरम पिल्लई है एंड सी राजगोपालाचारी, दोनों बहुत ही क्लोज ऑप्शन है। फिर हमारे पास क्या है, वी ओ चिदम्बरम पिल्लई है एंड सी राजगोपालाचारी, और उसमें हमें दिखेगा वी ओ चिदम्बरम पिल्लई वॉज देयर, वहाँ पे सॉल्ट सत्याग्रह में थे, सॉल्ट लॉ ब्रेक करने के लिए थे, बट द पॉइंट इज दैट ही वॉज नॉट द लीडर। यहाँ पे पूछा गया है हु ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज, किसने ऑर्गेनाइज किया था, ऑर्गेनाइज किया मतलब लीडरशिप किसने ली थी ये पूछा गया है, ऑर्गेनाइज किया मतलब क्या है, लीडरशिप किसने ली है ये पूछा गया है। ओ चिदम्बरम पिल्लई जो है उन्होंने लीडरशिप नहीं ली थी, ही वॉज देयर एज अ पार्टिसिपेंट बट वो ही वॉज नॉट अ लीडर, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और वी ओ चिदम्बरम पिल्लई जो है वो खास करके स्वदेशी मूवमेंट से जुड़े हुए है, ओ चिदम्बरम पिल्लई कहाँ है, स्वदेशी मूवमेंट से जुड़े हुए है, और इस वजह से क्या है कि ये ऑप्शन आपका बेस्ट ऑप्शन नहीं माना जा सकता है, फुल्ली करेक्ट ऑप्शन नहीं माना जा सकता है। एंड डेफिनेटली वी हैव क्लियर कट एविडेंसेस, बहुत सारे एविडेंसेस हमारे पास है, तंजावर कोस्ट पे सॉल्ट मार्च लीड किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था, वो सी राजगोपालाचारी की तरफ से किया गया था, सी राजगोपालाचारी जो कांग्रेस के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर माने जाते थे महात्मा गांधी के बाद, ही सी राजगोपालाचारी जो बाद में जाके तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बने थे तीन बार, मतलब पहला जो मद्रास था, मद्रास स्टेट, और उसके बाद तमिलनाडु जो हो गया, ये तीन बार चीफ मिनिस्टर बने थे, वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी बने थे सी राजगोपालाचारी, और साथ ही साथ इंडिया के पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल बने थे, भारत के पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल भी बने थे 1948 से लेके 1950 के बीच, माउंटबेटन जब लास्ट वायसराय थे और फिर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, उसके बाद जब 1950 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं हुआ था, जब पूरी तरीके से तैयार होके उसको इन इफेक्ट नहीं लाया गया था, तब तक बेसिकली द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल वॉज देयर, राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये पोस्ट आई नहीं थी, तब सी राजगोपालाचारी वॉज अ फर्स्ट एंड ओनली इंडियन गवर्नर जनरल, ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन और उनका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है और उनकी इम्पोर्टेंट पोजिशन वो हमें ध्यान में रखना है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर आंसर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या है, सी राजगोपालाचारी का जो आंसर है वो करेक्ट है। और यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन आता है, जैसे अभी मैंने सी राजगोपालाचारी के बारे में बताया और बाकी तीनों ऑप्शंस के बारे में बताया, जो ऑप्शंस गलत है वो ऑप्शंस के बारे में भी क्या क्या एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स है वो नोट करने हैं। और सी राजगोपालाचारी के बारे में मैंने देखा बताया आपको, यहाँ पे सॉल्ट जो सत्याग्रह है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, इसके अलावा भी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, क्या क्या पोजिशंस उन्होंने होल्ड किए थे, ये सारा पता होना चाहिए ताकि हमारा बेसिकली जो आंसर है और जो हमारा प्रिपरेशन है वो होलिस्टिक हो जाता है। और सी राजगोपालाचारी जो है वो किसके लिए फेमस है, और एक चीज़ के लिए फेमस है, राजगोपालाचारी फार्मूला या राजाजी प्लान 1944, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच जो डिफरेंसेस थे, डिफरेंसेस को रिजॉल्व करके एक यूनिटी आनी चाहिए एंड इंडिया का पार्टीशन नहीं होना चाहिए, उसके जो प्लान लाया गया था वो राजाजी फार्मूला या सी राजगोपालाचारी जो प्लान है वो भी यहाँ पे आपको दिखता है। के बारे में वैल्यू एडिशन अगर देखना है, ये सारे डायमेंशन का एंगल पता होना चाहिए और उसको इंटरलिंक करते जाना है, इंटरकनेक्ट करते जाना है, आपका फुल प्रूफ प्रिपरेशन होगा ही होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है।